इन तीन लोगों की मदद बिल्कुल भी मत करना वरना पछताओगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन लोगों की मदद करनी चाहिए और कैसे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान बहुत अलग है। कुछ अच्छे हैं, समझदार हैं, तो कुछ बेवकूफ हैं और चालाक भी, ताकि आगे से आप इनसे हमेशा सतर्क रहें। देखिए दोस्तों, हर कोई आपको बातें बताता होगा, पर आपको सारी बात बताई जाए ये जरूरी तो नहीं। इसलिए आज जो मैं आपको नीतियां बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुने, अच्छे से समझें और अपनी जिंदगी में लागू कर लें। पहला, मूर्ख व्यक्ति। आज मैं जो आपको जिन लोगों से दूर रहने की बात करने वाला हूं उसमें पहला है मूर्ख, जिसे हम इंग्लिश में फुलिश कहते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी मूर्ख इंसान को जानते हो तो उससे दूर रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी अच्छी खासी जिंदगी को खराब करने में जरा सा भी समय नहीं लगाएगा। आपने अक्सर किसी मूर्ख इंसान को ज्ञान देने की कोशिश काफी की होगी, अगर ऐसा है तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्या होता है कि हम हमेशा मूर्ख को ज्ञान देकर उसकी भलाई करने की सोचते हैं, लेकिन जो मूर्ख इंसान होता है वो इस बात को नहीं समझता। ये लोग फिजूल तर्क रखते हैं या बिना सर पैर की बहस करने लगते हैं, जिससे हमारा ही समय का नुकसान होता है। या आपको किसी के सामने बुरा बनाने से भी पीछे नहीं हटते, और आपकी करी भलाई कब बुराई बन जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही चाहिए। वहीं अगर आप सब जानते हुए भी मूर्ख इंसान से दोस्ती निभा रहे हैं तो मूर्ख वो नहीं आप हैं। दूसरा, बुरा चरित्र वाला इंसान। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जैसी रंगत वैसी संगत। हम इंसान अपने जीवन में अकेलेपन को खत्म करने के लिए एक अच्छा दोस्त बनाते हैं, ताकि हम उससे अपने दुख दर्द बांट सके, उसकी अच्छाइयों को अपनी जिंदगी में अपना सके। लेकिन यहाँ हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम जिसे दोस्त बना रहे हैं वो अच्छा और समझदार होना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसका चरित्र ही ठीक नहीं, तो उससे दूर रहने में ही आपकी समझदारी होगी, क्योंकि ऐसे लोगों की भलाई करने पर या इनकी मदद करने पर भी हमारा ही नुकसान होगा। ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट में अगर आप रहते हैं तो समाज और घर परिवार में जो आपकी एक अच्छी छवि बनी है उसको खराब होने में जरा भी समय नहीं लगता, और आपको हर जगह बेइज्जत होना पड़ता है। ऐसे लोग अपने कर्म धर्म से भटक जाते हैं। खराब मन का इंसान खुद तो पाप करता ही है और दूसरों को भी पाप के रास्ते में ढकेल देता है, इसलिए ऐसे से दूर रहना ही चाहिए। तीसरा है, हमेशा बिना वजह दुखी रहने वाला इंसान। आपने फिल्म का वो डायलॉग तो सुना ही होगा, अगर हम एक जोक पर बार बार नहीं हंस सकते तो एक दुख को लेकर बार बार सोचकर क्यों परेशान रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन से खुश नहीं है और हमेशा ही दुखी रहते हैं, वो खुद तो परेशान रहते ही हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। इसलिए उनसे दूर रहना ही चाहिए। इन लोगों की भलाई करने पर भी हमें दुख ही मिलता है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आपको बता दूं, ऐसे लोगों का जीवन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, ये हमेशा दुखी ही रहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि ये लोग दूसरों की खुशी से ईर्ष्या करते हैं और उनको कोसते रहते हैं। हमेशा इनके मन में यही रहता है कि कैसा सभी का काम बिगड़ जाए। इस तरह के लोग जलन भावना रखने वाले होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की खुशी उनकी तरक्की से जलते रहते हैं, इसलिए ये हमेशा दुखी रहते हैं। ऐसे में आपको यही करना है कि आप जितना जल्दी हो सके इनसे दूरी बना के रख लें, ताकि आपकी जिंदगी सही से चल सके। नेगेटिविटी रखने वाले से आप दो कदम दूर ही रहें, वरना इनकी नेगेटिविटी कब आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इन नीतियों को अगर आप अपनी जिंदगी में आजमाते हैं तो आगे जाकर आप सफल ही रहेंगे, अगर नहीं अपनाते हैं तो आप भी इनके जैसे ही हो जाएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।